नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली जाएंगे, जहां सीएम योगी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन के लिए निमंत्रण देंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी 5 सितंबर की शाम पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के दौरान वो पीएम के साथ राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। 2024 के पहले महीने में राम मंदिर का उद्घाटन होने की चर्चा है। अगस्त में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी थी कि मंदिर निर्माण समिति की बैठक में 15 से 24 जनवरी के बीच किसी भी तारीख पर होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर भी चर्चा हुई। जल्द ही इसके बीच की कोई तारीख फाइनल होने की उम्मीद है। लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। घोसी में मतदान के लिए 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल हैं। 4,30,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। घोसी विधानसभा क्षेत्र में भारी सुरक्षा का इंतजाम भी किए गए हैं। घोसी विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है और इस सीट पर 6 साल में चौथी बार चुनाव होने जा रहा है। यहां सीधा मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के बीच देखने को मिल रही है। इस समय प्रशासन जो है फतेहपुर ताल दरिया कई बूथों पर दौलतपुर कई दौलतपुर के प्रधानों को भी उठाने गई है और इंदारा में भी दिक्कत है, बहुत जगह परेशानियां हैं, वोट डालने से रोक रहे हैं। यह सबसे बड़ी परेशानी। आपके पुत्र सुजीत सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में, इसके क्या कहेंगे? आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में मुकदमा नहीं दर्ज है, उनको केवल फंसाया गया है, उनको हमारे घोसी के ब्लॉक प्रमुख को इस नाते की वोट न मांग सके और जनता के बीच न जा सके। 12 बंकी में हापुड़ की घटना को लेकर तहसील रामनगर में तहसील मुख्यालय पर यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर रामनगर तहसील अधिवक्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कई अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखनऊ में 12 रवि अव्वल का महद ए सहाबा के जुलूस के सिलसिले में मीटिंग की गई, जिसमें जुलूस में शामिल होने वाले लोगों ने हिस्सा लिया, जहां हजरत मौलाना यासिर अब्दुल रहीम फारूकी ने जुलूस के सिलसिले में लोगों से बातचीत कर जुलूस को अमन और शांतिपूर्ण ढंग से निकालने की अपील की। देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में कटाई चौराहे पर सजग जनसेवा केंद्र के संचालक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर 2 लाख की लूट की थी, जिसके लगभग 20 दिन बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि 25,000 की नामी बदमाश मनु की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। थाना क्षेत्र में ग्राम कालावन के क्षेत्र में ये देखा गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जब पुलिस ने घेराबंदी किया तो इसने पुलिस की जवाबी फायरिंग में इसको बाएं पैर पर नीचे गोली लगी है। इस व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ में एक और व्यक्ति था जो अभी फरार हो गया है, उसको भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस द्वारा टीमें बनाई गई है और घेराबंदी की जा रही है। यूपी के हरदोई में एक दुकानदार को ग्राहकों ने पैसे मांगना भारी पड़ गया, जिसके बाद गुस्सा युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि दुकानदार ने भी बचाव करते हुए युवकों के साथ मारपीट की और मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित दुकानदार ने SP ऑफिस पहुंचकर दबंगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए स्थानीय पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। मेरी दुकान जो बड़ा चौराहा पर स्थित है, आया दुकान पर आया और फ्राइड राइस बनवाकर पास की अंडा की ठिलिया पर खा रहा था।
मेरे द्वारा पैसा मांगने पर वह मुझसे पैसा देने से मना करने लगा और मुझसे गाली गलौज करने लगा। मैंने गाली देने से रोका तो उसके साथ के ही लोग आत्माराम यादव, मुंगेरी कुशवाहा, अजीत कुशवाहा, कुलदीप यादव, वीरू यादव, गोपी आए और मेरे साथ मारपीट करने लगे। मारपीट होते देख मेरे भाई सुधीर व धीरज मुझे बचाने आए तो ये लोग उनके साथ भी मारपीट करते हुए करते करते दुकान में घुस गए और दुकान। अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैमथल इलाके में जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े में मां बेटी की लाठी डंडों से मारपीट कर हत्या करने के मामला सामने आया है, जहां घटना की सूचना पर पहुंची इलाके पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना गोंडा का क्या मामला? ये कुछ देर पहले यहाँ थाना गोंडा से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ का एक गांव है कैमथल की मड़ी, यहाँ पर एक महिला उम्र लगभग 55 वर्ष एवं उसके द्वारा एक मुंह बोली उसकी बेटी जो उसने गोद ली थी वैसे उसकी भांजी बताई जा रही है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, इनकी हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पर पता चला कि जो ये मृतका है 55 वर्षीय, इसके पति की मृत्यु कुछ दिनों पहले भी थी और आज 13वीं थी। 13वीं में वहीं उसके जो देवर और अन्य जो देवर लोग हैं जिनका नाम धर्मवीर, रमेश, राकेश ये बताया जा रहा है, इनके साथ मारपिटाई हुई है लाठी डंडों से, जिसमें इन दोनों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। जो लड़ाई है उसका वजह संपत्ति एवं उसके बंटवारे से संबंधित बताया जा रहा है। एकाएक हुई इस घटना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और यहाँ मौके पर जो साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया है। जो आरोपी गण हैं जो कि इस महिला के देवर आदि हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए। मैनपुरी में थाना कोतवाली के अंतर्गत औंछा रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया 16 साल से फरार चल रहा था आरोपी, जिस पर 25,000 का इनाम था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। टीम और सर्विलांस चेकिंग कर रही थी थारो चौराहे पे, तो इसमें एक व्यक्ति बाइक से आता हुआ दिखाई दिया, तो उसको रोकने का पुलिस ने प्रयास किया तो वो चकमा देते हुए भागने लगा और फायरिंग करने लगा। पुलिस ने उसको जवाबी फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी। और कासगंज के सोरो में ई रिक्शा से लौट रहे व्यापारी के साथ बाइक सवार तीन बदमाशों ने लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ सदर ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर अभियुक्त के पास एक अवैध तमंचा, एक मोटरसाइकिल और लूटे हुए 1,00,000 रुपए नकदी बरामद किया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।